थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग को अजीब लगा होगा, पर बिल्कुल सही बात है। मुझे यूट्यूब से भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए, और जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर वीडियो देखते हैं, उन लोगों से भी अपने सवालों के जवाब चाहिए। तो उसी के बारे में आज डिस्कशन करने आया हूँ। पर आज संडे Q&A है, हर संडे की तरह मैं आपके सवालों के पहले आंसर दूंगा, उसके बाद मेरे सवाल आपसे पूछूंगा। तो हाय एवरीवन, मैं विशाल और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ पाए। तो वन बाय वन मैं आज आप लोगों के सवाल लेता हूँ, और सवाल भी बहुत बचकाने। इस वीक में जो सवाल आए हैं उनको मैं ले लेता हूँ, और सवाल भी कैसे जिनको देखकर आपको हंसी आएगी। पहला सवाल है, क्या करना है ब्रो? तो ये हाइट इंक्रीज के वीडियो के नीचे का सवाल है। तो हाइट इंक्रीज का वीडियो मैंने 5 या 6 मिनट का इतना बड़ा वीडियो बनाया, उसमें सारा कुछ बता दिया, पर फिर भी कमेंट में लिखा है क्या करना है ब्रो। तो वीडियो को पूरा नहीं देखना है, और कमेंट में इनको आंसर चाहिए होता है, ऐसे कमेंट में कभी आंसर नहीं देता हूँ। सेकंड कमेंट है, भैया प्लीज रिप्लाई, गलती से अमरुद खा लिया, मीठा था, व्रत टूट गया क्या मेरा? तो हाँ, अमरुद से वो व्रत टूट जाता है शुक्रवार का फास्ट, क्योंकि अमरुद खट्टा होता है और मीठा भी होता है, तो उसमें खट्टाई थोड़ी सी होती है। अमरुद संतोष माता के फास्ट में नहीं खाते, मैंने बोला था उस वीडियो में, पर आप लोगों को वीडियो नहीं देखना होता है और नीचे कमेंट करना होता है। अब आप फिर से शुरू से वो व्रत स्टार्ट करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर आपकी बस की बात नहीं है व्रत करना तो मत किया कीजिए, पर ऐसे भगवान का अपमान मत किया कीजिए। करना हो तो ठीक तरीके से कीजिए, नहीं तो मत किया कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, कुकुम्बर भी खा सकते का? तो वही वीडियो के नीचे का सवाल है, क्या कुकुम्बर भी थोड़ा सा खट्टा होता है, कुकुम्बर भी नहीं खाना चाहिए? वही वही सवाल बार बार पूछते हो और दिमाग खाते हो और डिस्टर्ब हो जाता है माइंड, कि आप वही वही सवाल बार बार पूछते हो। कुकुम्बर के संतोष माता के वीडियो के बार बार हर संडे को क्वेश्चंस लेता हूँ, और किसी किसी लोगों को ये पसंद नहीं होते तो डिसलाइक करके वीडियो को चले जाते हैं। तो आप बार बार वही वही सवाल मत पूछा कीजिए, एक बार में आप सारे सवाल लिख दीजिए उस वीडियो के नीचे, मैं पूरा डिटेल में एक ही वीडियो बना दूंगा। पर आप थोड़े थोड़े करके पूछते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और माता संतोषी का व्रत कंटिन्यू करना पड़ता है या बीच में कुछ खा लेते हैं गलती से तो फिर से रिस्टार्ट करना होगा? तो मैंने कहा था रिस्टार्ट करना होगा अगर आपका टूटा है तो। अगर आपसे नहीं हो रहा था तो आपने रखना ही नहीं चाहिए था, और अगर रखना है तो उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने गलती से खट्टा खा लिया है तो माफी मांगिए और फिर से स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट 16 शुक्रवार तो आपको करना चाहिए, आपने तोड़ा है तो फिर से शुरू कीजिए। मिर्च खाए या नहीं? अब मिर्च तीखी होती है, सारी दुनिया को पता है मिर्च खट्टी नहीं होती, फिर भी ये सवाल मिर्च खाए या नहीं। मिर्च खा सकते है, दिन भर में आप फ्रूट खा सकते हैं जो खट्टे नहीं होते, जो मैंने उस वीडियो में डिस्कशन किया था। पर रात में जो आपका नॉर्मल खाना बनता है उसमें मिर्च डाल सकते हो, पर रात में भी खट्टा नहीं खाते, इस बात का ध्यान दीजिए। नहीं तो कुछ कुछ लोगों को लगेगा दिन भर में सही चीजें खाएंगे और रात को टमाटर की सब्जी खाएंगे, तो ये गलत है, इस बात का ध्यान दे। क्या हर वीक अलग अलग सब्जी खा सकते है शुक्रवार व्रत में? अब ये सवाल देखिए, अब सब्जी भी अलग अलग खाएंगे कि नहीं ये भी मुझसे ही पूछे आप। सब्जी भी अलग अलग खा सकते हो, बस खट्टा ही मत खाइए। और नेक्स्ट सवाल है, भाई आप मुझे बताओ कि संतोषी माता के व्रत में गोभी खा सकते हैं या नहीं, प्लीज कमेंट में लिखिए। तो मैंने इनको कहा कि खा सकते हो, मैंने भी वही खाया, गोभी खा सकते हो, गोभी कब खट्टा होता है? आपको मैंने कहा था खट्टी चीजें नहीं खाते, गोभी नहीं खाते, कुछ भी नहीं, गोभी खा सकते, इस बात का ध्यान दीजिए। और लास्ट मेरा आपसे सवाल है कि आप मेरे चैनल पे, कोई तो मेरे चैनल पे रिपोर्ट कर रहा है, मतलब कि मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन 2 स्ट्राइक आ चुके, और 3री स्ट्राइक के बाद मेरा चैनल या फिर बचेगा फिर नहीं बचेगा, पर मैं 100% अपना पूरा ताकत लगा दूंगा कि मेरा चैनल बचे। तो जो भी ये कर रहा है पीठ पीछे वार, उसको मेरा एक निवेदन है कि मेरे सामने आकर के मुझसे झगड़ा करे, या फिर जो भी उसकी दुश्मनी हो तो वो करे। इतना मत जलो किसी से कि आप उसके पीठ पीछे रिपोर्ट करो। YouTube ने मेरी 2 वीडियो डिलीट कर दिए, और उसमें से एक वीडियो दिवाली की थी, उसमें फटाके फोड़े गए थे और फटाके भी बड़ों के निगरानी में फोड़े गए थे। तो उस वीडियो में भी ऐसा इन अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं था, जो YouTube ने मेरी वो वीडियो हटा दी थी फटाकों की। पर उन्होंने मुझे उस वीडियो का रीजन बताया था कि आपने बच्चों के साथ वीडियो बनाई है जो कि बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है, तो वो वीडियो का रीजन था उनके पास। पर जो मेरी कोरोना वायरस की वीडियो थी, 4 हर्ब्स टू क्योर कोरोना वायरस,
क्योर का मतलब ये नहीं था कि कोरोना वायरस को ठीक कर देंगे, मतलब कि आपको बचाएंगे, वो आपको होगा नहीं, वो वायरस आपके बॉडी में एंटर नहीं करेगा। उसके लिए मैंने वो 4 हर्ब ढूंढकर आप लोगों को दिया था, इंडियन हर्ब थे, इसलिए शायद यूट्यूब ने मेरी वो वीडियो हटा दी, क्योंकि इंडिया की जो भी चीजें होती है वो हमेशा यूट्यूब को खटकती है, बाहर के देशों में सांप सब सूप खाएंगे, पर मेरी वीडियो हटा दी तो बहुत दुखी हूँ कि दो वीडियो हटा दी। और जो दूसरी वीडियो कोरोना वायरस की हटाई उसका कोई रीजन नहीं है, 2 स्ट्राइक आ चुके हैं, 2nd स्ट्राइक के लिए किसने मेरे वीडियो पे रिपोर्ट किया है उसको मैं कहना चाहूंगा कि आप यूट्यूब ज्वाइन किए होगे या फिर करना चाहते होगे तो अपने दम पे करो, किसी के चैनल के किसी के वीडियो डिलीट करवा के आप आगे जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे मेरी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, मेरा जो मन होगा उसकी मैं वीडियोस डालूंगा। अपनी जलन अपने पास रखो, मेरे चैनल पे स्ट्राइक दे करके कोई आपका भला नहीं होने वाला है, अगर आपका भला भी हो जाएगा तो आप जीत भी जाओगे, मेरा चैनल डिलीट भी हो जाएगा तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, इस बात का ध्यान दे। तो यही मेरा क्वेश्चन था उस बंदे से, उस बंदी से जिसने मेरे वीडियो पे स्ट्राइक दे दी है, और पिछली वाले भी उसी ने दी होगी, उसको ही मुझसे दुश्मनी है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आता है तो झूठ मूठ का स्ट्राइक देने से कोई आपका मतलब नहीं बनता है। और यूट्यूब से भी ये रिक्वेस्ट है कि आपने स्ट्राइक देख करके डायरेक्टली वीडियो डिलीट कर दी, उसका रीजन मुझे चाहिए कि क्यों वीडियो डिलीट कर दी। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, बाय बाय।